Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. फ्रेंड्स, यार आप पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना और जहां पर भी गलतियां हो सुधार लेना। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं है और किसी के पास होता नहीं है। वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेज में लास्ट क्लासेज में मैंने आपको शुड, मस्ट और हाउ टू का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन बताया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको उनका पास्ट बताऊंगा कि पास्ट में उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब उसमें पास्ट आता है, मीन्स थाथेथ आता है, तो हम उस सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्लास शुरू करते हैं आज का। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए था, इसके लिए क्या बोलेंगे? तुम्हें बाइक खरीदना चाहिए, यू शुड बाई बाइक। तुम्हें बाइक खरीदना चाहिए था, इसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तुम्हें मेरे घर आना चाहिए, यू शुड कम टू माई हाउस। तुम्हें मेरे घर आना चाहिए था, इसके लिए क्या बोलेंगे? चलिए आइए देखते हैं क्या करते हैं इसके लिए। मैंने लिख कर रखा ना चाहिए था, नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थे। इस तरह के जब सेंटेंस के अंत में, जब भी सेंटेंस के अंत में ना चाहिए था, नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थे आते हैं, तो समझ लेना कि वो पास्ट है, शुड, मस्ट और आउट टू वाला। और उसको हम कैसे बनाते हैं? मेकिंग फार्मूला इज दिस, दिस इज द मेकिंग फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस शुड, मस्ट, आउट टू। ये आप SMO का मतलब ये मत समझना कि SMO का मतलब क्या होता है। S मतलब शुड, मस्ट और आउट टू। फिर हैव लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे। इसके पहले भी मैंने आपको एक स्टेप बताया था कैन, कुड, हैव में, जिसमें V3 का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल करते थे। तो ठीक ये भी उसी तरह से है, इसमें भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रेंड, मैंने हैज हैव का पढ़ाया तो आप ये मत समझना कि ही के साथ हैज लगता है तो ही हैज लगाएंगे उसमें, नहीं, सिर्फ हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर शुड, मस्ट और आउट टू के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसमें V3 मीन्स वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव helped him। This is the third form of the verb। ये आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना ही करना है आपको। ठीक है फ्रेंड, should, must, ought to, have के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म जरूर लिखना है यहाँ पर आपको। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। नेगेटिव इसका समझना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि मेरे क्लास में स्टूडेंट क्या करते हैं, यू शुड हैव नॉट हेल्प हिम, हैव के बाद नॉट लगाते हैं ज़्यादातर। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो उसका जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद ही हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो यू शुड नॉट हैव हेल्पड हिम, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अब इसका मगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो शुड यू हैव हेल्प हिम, शुड यू हैव हेल्प हिम। ठीक है फ्रेंड, इसका हम क्वेश्चन और एक लिखते हैं, पहले हिंदी में लिखना पड़ेगा कि तुम्हें उसकी मदद कब करनी चाहिए थी,
तो व्हेन शुड यू हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं तो उसके हिसाब से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है। ठीक है फ्रेंड, ये आप लिख लो अच्छी तरह से, फिर हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं इसमें। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। ही मतलब मस्ट या ऑट टू, मीन्स जोर दे के बोला जा रहा है सेंटेंस पे, तो उसमें मस्ट या ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, ये आप याद रखना। यू तो यू मस्ट, मसंट लिख देते हैं हम नोट को साथ में लिखते हैं, मसंट हैव गोन देयर। या यू आउट नॉट हैव टू गोन देयर। ठीक है फ्रेंड, अभी क्या उसे दवाई खानी नहीं चाहिए थी? खाना होगा शायद, नहीं चाहिए था तो शुड, शुड इसमें नॉट लगा दे रहा हूं मैं इधर ही, शुडंट ही हैव टेकन मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी है। तुम्हें ऐसा क्यों करना ही चाहिए था, तुम्हें ऐसा क्यों करना ही चाहिए था, तो व्हाई शुड यू हैव डन दिस। बहुत ही फ्रेंड ये इजी है, बस जैसा आपने अगर कैन कूड हैव का इस्तेमाल जो था, जो स्टेप क्लास था हमारा, उसमें अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कैन कूड हैव का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, तो सेम उसी वही है, वही तरीका इसमें भी है, चाहिए था चाहिए थी में भी शुड और मस्ट और टू के बाद हैव लगाएंगे, फिर वी थ्री लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तुम्हें कल मेरे घर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू माई हाउस यस्टरडे। तुम्हें कल मेरे घर आना ही चाहिए था, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे घर कल आना ही चाहिए था, क्यों नहीं आया, आना ही चाहिए था, मीन्स यू मस्ट हैव कम टू माई हाउस। ठीक है फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंसेस है, आप सेंटेंसेस को भाव को पकड़ो और उसके हिसाब से मेकिंग फार्मूला अगर याद है तो आप बना लोगे। ठीक फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं उन फ्रेंड्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और रोज़ का क्लास हमारा अटेंड करते हैं, और उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।